सर, ये बताएं कि जब 600 कुछ केस थे तब देश में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया और आज 1,41,042 केस एक्टिव हैं, जिसमें से 78,342 केस एक्टिव हैं और 58,641 लोग रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, और 4,050 लोग रात्रि 8 बजे तक, जब ये प्रोग्राम शुरू किया था, तब तक डेथ उनकी डिक्लेयर की जा चुकी है। ऐसे में जब लॉकडाउन लिफ्ट किया जा रहा है तो ये सवाल था कि ये संक्रमण फैलने ना पाए, लेकिन पहला सवाल है कि आप क्या मानते हैं कि इसका स्प्रेड कम्प्लीटली कम्युनिटी लेवल पे हो चुका है और जिस तरीके से बस सेवा, रेल सेवा बहाल होने की तरफ तेज़ी से बढ़ रही हैं, इससे क्या संक्रमण और फैलेगा? और संक्रमण और फैलेगा तो जो लोग लाखों की तादाद में, जैसे एक डेटा के हिसाब से 24 लाख मजदूर तो सिर्फ उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, तो ऐसे में जब संक्रमण बढ़ेगा तो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है। रिपीट करेंगे क्या क्वेश्चन को थोड़ा? मैं रिपीट पहला करेंगे? पहला सवाल कि क्या कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड पूरी तरह से हो चुका है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? दूसरा कि जब लॉकडाउन को लिफ्ट किया जा रहा है तो ऐसे में संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि 24 लाख मजदूर तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं, 3,045 ट्रेनें चल चुकी हैं, तो जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जो पीक लेवल होगा वो जून और जुलाई में होगा, तो क्या आप भी मानते हैं कि पीक लेवल अभी कोरोना का आना बाकी है और ऐसे में लॉकडाउन भी लिफ्ट किया जा रहा है, सामान्य ट्रांसपोर्ट, एयर सर्विस और ट्रेन सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस सबको बहाल करने की दिशा में भी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो आप क्या पिक्चर देखते हैं ओवरऑल आने वाले दिनों में कोरोना के संक्रमण की? देखिए उपेंद्र जी, देखिए उपेंद्र जी, ऐसा है, 635 से शुरू हुआ था केस का आना और अभी 1,40,000 के ऊपर केसेस हो गए हैं। तो जी ये ऐसा है, जो संख्या तो बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन ये सोचिए कि 60 दिन में में हमने हमने इतना यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी इस बीच में हमने जो कोरोना का जो कर्व है उसको फ्लैट किया उसको। अभी दूसरी बात क्या है कि पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि में सभी का आवागमन बंद था। आज अभी पूरे लॉकडाउन लिफ्ट कर दिए गए हैं, इवन हवाई जहाज भी चालू कर दिया गया है, उसमें ट्रेन भी चल रही है। तो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं ये बहुत ज्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, अपने अपने नेटिव प्लेस को जा रहे हैं। तो ये जो अभी अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमने अभी टेस्टिंग पहले नहीं था, पहले एक लैब था आपका, फरवरी में आपका 599 लैब्स अभी हो गए। तो अभी हम पर डे करीब करीब आप 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख के बीच में टेस्ट कर रहे हैं हम लोग उसमें। तो जितना अधिक टेस्टिंग होगा उतना ही अधिक केसेस हमको डिटेक्ट होंगे उसमें। ये आप मान के चलिए कि हम अभी कम्युनिटी स्प्रेड के लेवल पे चल रहे हैं हम लोग आगे। ऐसा है कि अभी हमको जो ये जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं इनमें सभी को क्वारंटाइन करके रख रहे हैं, इसमें उसमें से टेस्ट कर रहे हैं, उसमें टेस्टिंग करने में जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको फिर से 14 दिन का अलग से क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो अभी जो एक जो सर्ज आएगा, अभी मेरी जानकारी के अनुसार में 31 मई तक में ये ट्रेन चल रही है अभी है। इसके बाद में जो जहां पर जितने जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो जहां चले जाएंगे वहां के बाद जो फिगर्स होगा उसके, जो 14 दिन के बाद जो फिगर्स होगा वो स्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें। तो हम अभी इसको कंसंट्रेट करें कि जितने भी हमारे केसेस आ रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं, उनके ऊपर हम ध्यान करें और सभी पेशेंट का करीब कर उसमें रैंडम सैंपलिंग लेकर के सैंपल उसका टेस्ट कराएं, उसमें RT-PCR से कराएं और जो पॉजिटिव निकले उसके पूरे ग्रुप ऑफ कॉन्टैक्ट को उसको टेस्ट कराया जाए। तो ये निश्चित रूप से ये केसेस बढ़े, लेकिन उसमें हम अपने को घबराने की हम लोगों को जरूरत नहीं है उसमें, और ज्यादा जो है प्रिवेंशन की आवश्यकता है उसमें, ये मेरा मानना है। और अभी स्प्रेड करेगा भी, फिगर सभी और बढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देखें वर्ल्ड लेवल पे देखें तो हम लोग जो है उसमें उस हिसाब से हमारे यहाँ जो है केसेस उतने ज्यादा डेंजरस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा रिकवरी रेट है वो 40% है और 2.94 जो पेशेंट है उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, 0.45% ही पेशेंट जो है यानी वो सिर्फ वेंटिलेटरी सपोर्ट के ऊपर में है। तो आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ जो केसेस हैं उनमें थोड़ी सी उनकी जो बीमारी है उसकी तीव्रता थोड़ी कम है। अब ये कम्युनिटी लेवल पे निश्चित रूप से फैलेगा, गांव में आएंगे, गांव में एकदम
वो अलग से रह नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हार्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हम लोग हार्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जा रहे हैं। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब यही होता है कि जब एक समूह में बहुत सारे लोग जब इन्फेक्टेड हो जाए तो उसके बाद में अपने आप शरीर में उनकी इम्यूनिटी आती है और वो दैट इज कॉल्ड हार्ड इम्यूनिटी है। तो आप इसको मान करके चलिए कि संख्याएं बढ़ेगी, लेकिन उसमें हमको कोई परेशानी नहीं समझना चाहिए, बल्कि और ज्यादा प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। जो अभी जो कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ रहना होगा और आना पड़ेगा। एक सवाल मेरा और है आपसे कि जिस तरीके से आपने कुछ डेटा बताया जिसमें 2% जो केसेज हैं इंडिया में वो थोड़ा सीवियर हैं, बाकी जो हैं जाहिर सी बात है कि जो फ्लू के जो सिम्टम होते हैं उसी लेवल पे हैं, उससे आपने कहा भी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोरोना की इतनी पब्लिसिटी हो गई है कि लोग लिटरली कांप रहे हैं कि कहीं सर्दी जुकाम फीवर आया तो मुझे कोरोना तो नहीं है। ऐसे में अगर कोई सिम्टम ऐसा दिखता है तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि वो कैसे टेस्ट करें, कैसे अपने मन को दिलासा दें, क्या करें कि भाई ये कोरोना नहीं है, सामान्य वायरल फीवर है, सर्दी जुकाम है, फ्लू है। देखिए, यदि कोरोना होगा तो सबसे पहले तो उसको एक ट्रैवल की हिस्ट्री होनी चाहिए या कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री होनी चाहिए, कहीं न कहीं से जी कहीं न कहीं से जो है वो केस आया हो। जैसे पहले स्टेज में हमारे विदेश से आए, फॉरेन से आया, उसके बाद में कुछ बीच बीच में ऐसे ग्रुप वाले लोग हो गए जिनको एक साथ हुआ बीमारी हुई, जैसे तबलीकी वाले हुए, कुछ और भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनसे हुआ। अब इसके बाद में माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं, तो जिनके कंटैक्ट में हम रहेंगे, यदि बीमार मरीज है उससे कंटैक्ट में जब तक नहीं आएगा कोई, तब तक उसको कोरोना नहीं होगा, चाहे वो इन्फेक्शन कहीं से भी आए, इन्फेक्टेड मरीज से ही आएगा, मैन टू मैन ट्रांसमिशन होगा इसका। ये फूड से, खाने पीने से, एनिमल से, किसी दूसरे सोर्स से नहीं है इसमें। दूसरी चीज, हमको यदि साधारण सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं। यदि तेज बुखार होता है, उसके स्वाद में परिवर्तन आता है, सूंघने की शक्ति में कमी आ जाती है और बहुत ज्यादा बॉडी एक हो रहा है उसको, बहुत ज्यादा उनको खांसी हो रही है और डिस्निया हो रहा है, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है, उनका ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। जनरली एक ऑक्सीजन नापने का पल्स ऑक्सीमीटर होता है, यदि उसमें 95% या उसके ऊपर है तो नॉर्मल ऑक्सीजन है, यानी हमारे शरीर की ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है शरीर में नॉर्मल है। यदि उससे कम हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है, और उनको यदि फीवर बहुत ज्यादा है और खांसी है, बुखार तेज हो रहा है उनको, और कंटैक्ट की हिस्ट्री लग रही है उनमें, तो उनको कोविड अस्पताल में जाकर के चेक कराना चाहिए, अन्यथा लोगों को इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसमें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा उपेंद्र जी कि सावधानी रखना सबसे बड़ी जरूरी चीज है उसमें। यह देखा गया है कि अभी भी लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमें अभी भी लॉकडाउन जरूर खोलना चाहिए, लेकिन उसको ऑड इवन के फॉर्मूले पर, या उसको एक तरह की दुकान एक बार खोले, दूसरी तरह की दुकान दूसरी बार खोले।